हेलो एवरीवन, आई एम आरजू चौहान। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल P2E ट्यूटोरियल्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं गाइडेंस एंड काउंसलिंग का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो है गाइडेंस सर्विसेज एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द स्कूल। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हर साल एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा गया 16 मार्क्स में, और आगे भी इसके पूछे जाने के चांसेज हैं पूरे। तो चलिए डिस्कस करते हैं गाइडेंस सर्विसेज क्या होती है। सो इंट्रोडक्शन की बात करते हैं सबसे पहले। सो गाइडेंस क्या है कि एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, हमारे एजुकेशन का एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रल पार्ट माना जाता है। गाइडेंस प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, गाइडेंस एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे स्कूलिंग सिस्टम में। अटेंडिंग स्कूल इज नॉट अवर ओनली टारगेट, ठीक है, इन द मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, कि सिर्फ स्कूल को अटेंड कर लिया सिर्फ यही हमारा टारगेट नहीं है आज के मॉडर्न एंड कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड में। रादर प्रेजेंट स्कूल should take a lot of initiatives and responsibilities to build their students properly, ठीक है। तो schools बहुत सारे initiatives ले रहे हैं आजकल कि starting से ही बच्चों का जो है career को build किया जाए, बच्चों के अंदर इस तरह की जो creative abilities हैं वो develop की जाए, कि बच्चा जब बड़ा हो, ठीक है, बड़े होकर जब वो कमाने लगे तो उसको कोई भी परेशानी नहीं आए, ठीक है। सो प्रॉपरली फॉर विच दे वुड बी एबल टू शोल्डर देयर करियर इन द राइट डायरेक्शन यूटिलाइजिंग देयर पोटेंशियलिटीज टू द मैक्सिमम एक्सटेंट, ठीक है, कि उनका जो राइट डायरेक्शन पे उनका जो करियर पाथ है वो बिल्कुल राइट डायरेक्शन में जाए, उन्हें पहले ही पता हो कि हमें क्या करना है लाइफ में, किस तरह से हमें आगे बढ़ना है, ठीक है। मैक्सिमम एक्सटेंट तक अपनी पोटेंशियलिटीज़ को यूज़ करें बच्चे, ठीक है, एंड इन द रिलेशनशिप रिलेशन ऑफ देयर लिमिटेशंस। सो अपने लिमिटेशंस को भी ध्यान में रखेंगे बच्चे और अपने पोटेंशियलिटीज़ को भी ध्यान में रखेंगे और एक बेहतर करियर पाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो जो गाइडेंस होती है स्कूल में, जो गाइडेंस सेल बनाया जाता है, वही बच्चों की हेल्प करता है राइट डायरेक्शन को चूज करने के लिए। सो अदरवाइज दे वुड नॉट टेक देमसेल्फ टू एडजस्ट एंड कोऑपरेट पॉजिटिवली एंड परफेक्टली इन एजुकेशनल ऑक्यूपेशनल एंड पर्सनल एज वेल एज सोशल लाइफ, कि अगर बच्चे को सही समय पे गाइडेंस नहीं दी जाएगी, क्योंकि बच्चे जो है टीनेज में होते हैं तो बच्चों को नहीं समझ में आता क्या सही है क्या गलत है, तो उनको गाइडेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एक मोर मच्योर पर्सन जब उन्हें समझाता है कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है, क्या सही है करना, तो वो उसकी बात मानता है और लाइफ में क्या है पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आगे बढ़ता है, ठीक है। और अपने जो भी करियर पाथ है, जो भी सोशल एंड इमोशनल एडजस्टमेंट है वो सीख जाता है। देन ऑब्जर्व्ड पर्सनल लाइफ एंड इट इज़ कॉमनली ऑब्जर्व्ड दैट विदाउट प्रॉपर गाइडेंस सर्विसेज इन अ स्टूडेंट हैज़ बीन एबल टू मैक्सिमाइज देयर टैलेंट एंड पोटेंशियलिटीज, ठीक है। अगर बच्चे को क्या है कॉमनली देखा जाता है, अगर बच्चे को अच्छे से गाइडेंस नहीं मिली है तो वो सही करियर नहीं चूज़ कर पाता है और बहुत बार क्या होता है लाइफ में फेलियर का सामना करता है, ठीक है। सो दैट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस सर्विसेज इन द स्कूल हैज़ बिकम अर्जेंट नीड फॉर द प्रेजेंट सोसाइटी। तो गाइडेंस सर्विसेज हर स्कूल में होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है आज के टाइम में, और बहुत ज़्यादा अर्जेंट रिक्वायरमेंट भी है हमारे सोसाइटी की। आगे बात करते हैं, मेनली गाइडेंस सर्विसेज गिवन इन द स्कूल इंक्लूड ऑल सोर्सेज ऑफ स्कूल गाइडेंस एक्टिविटीज़ एंड प्रोग्राम्स विच आर मेंट टू स्टूडेंट्स इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर पोटेंशियलिटीज़, ठीक है। स्कूल में जो गाइडेंस सर्विसेज दी जाती है उसमें हर तरह के रिसोर्सेज बच्चों को प्रोवाइड करवाए जाते हैं, बच्चों की जो मैक्सिमम पोटेंशियलिटीज़ हैं, ठीक है, वो आगे कितना और ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं, उनकी फुल स्ट्रेंथ क्या है उनको पता चलती है ये, ठीक है, और अचीव कर पाते हैं वो सेल्फ रियलाइजेशन, उनको अपनी सेल्फ वर्थ का पता चलता है, सेल्फ डायरेक्शन सही दिशा में जाते हैं वो, सेल्फ डेवलपमेंट होता है बच्चे का, एंड चूज टू अ सूटेबल करियर प्लान एंड कैरियर सेटिस्फाइड ऑक्यूपेशंस गेट अ सेटिस्फैक्शन, जॉब सेटिस्फैक्शन मिलेगी एंड अ बेटर एडजस्टमेंट, ताकि फिर बच्चे क्या बेटर एडजस्ट कर पाएंगे स्कूल में होम में एंड कम्युनिटी में एंड सोसाइटी में, ठीक है। तो बच्चों को सेल्फ वर्थ का पता चलता है, सेल्फ डायरेक्शन का पता चलता है, और क्या है सेल्फ सेटिस्फाइड रहते हैं बच्चे अगर उनको सही और प्रॉपर गाइडेंस मिल जाए सही समय पर। In effect, the organization of guidance program in the school is not a recent attempt by the developing countries of the world, but in India, it has not got any clear picture of your status like other developed country, कि जो developed country होती हैं जैसे कि अमेरिका है, ठीक है, अमेरिका हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो वहाँ पर तो नॉर्मल बात है ये गाइडेंस प्रोग्राम, बट
जो इंडिया है, इंडिया में अभी तक इसकी कोई क्लियर पिक्चर सामने नहीं आई है कि स्कूल्स में गाइडेंस दी जा रही है या नहीं दी जा रही है, तो अभी भी बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड लेवल पर ही है ये, ठीक है। सो ओनली सुटेबल सेइंग एंड मेन अटेम्प्ट्स ऑफ द सेम विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट फ्रूटफुल रिजल्ट टू इट्स स्टूडेंट्स एज नेशंस। सो दैट इज़ वाई केयरफुल अटैम्प्ट हमें क्या करना चाहिए, हमारे इंडिया में अभी तक इसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। सो दैट इज़ वाई द करियर अटैम्प्ट शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट रिलेटेड एजेंसीज स्कूल्स कंसर्निंग पर्सोनेल्स टू रिसीव ग्रैंड सक्सेस इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम इन द स्कूल्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट भी बहुत सारे जो हैं इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है, स्कूल की गाइडेंस देने के लिए। तो इस तरह से धीरे 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 इंडिया में भी गाइडेंस का जो लेवल है वो बढ़ता जा रहा है। अब बात करते हैं गाइडेंस क्या होती है और गाइडेंस सर्विसेज, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, ठीक है। जो गाइडेंस होती है, गाइडेंस इज अ मोर और लेस जनरल, ठीक है, ये मोर या लेस जनरल टर्म होती है टू कनोट बाय बहुत, इसमें सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक दोनों तरह से आपको गाइडेंस दी जाती है, आपको सही और गलत के बारे में बताया जाता है। एंड इनफॉर्मल मीन्स होता है टुवार्ड्स असिस्टिंग द इंडिविजुअल, ठीक है, कि कोई बच्चा है उसको कोई परेशानी है, उसकी क्लास में लड़ाई झगड़ा हो जाता है या किसी भी बात पर, ठीक है, तो उसको जो गाइडेंस पर्सनल होता है वो उसको इनफॉर्मल तरीके से समझाता है, ठीक है, इनफॉर्मल तरीके से समझाता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत हुई है, तो इस तरह से। उसके बाद अगर हम गाइडेंस सर्विस की बात करें तो इट इंक्लूड ओनली सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसीजर, अब इसमें पूरा सिस्टमैटिक वे में काम होगा, ठीक है, इनफॉर्मल काम नहीं होगा, पूरा ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम होगा एंड फैसिलिटेट्स द सेम एंड, और जो काम हमें करना है, जो हमारे गोल्स हैं, हम उसे ही अचीव करेंगे। गाइडेंस में बी डिफाइंड एज अ ग्रुप ऑफ सर्विसेज टू इंडिविजुअल, इसमें ग्रुप ऑफ सर्विसेज दी जाती है इंडिविजुअल को टू असिस्ट देम इन सिक्योरिंग नॉलेज एंड स्किल्स नीडेड इन मेकिंग प्लान एंड डिवाइसेज एंड इंटरप्रेटिंग लाइफ, कि क्या स्किल्स हैं, क्या नॉलेज है, ठीक है, नॉलेज दी जाती है, स्किल्स दी जाती है और सही जो है प्लान बताया जाता है ताकि वो लाइफ में आगे बढ़े और अच्छी बहुत सारी अच्छी चीज़ें अचीव कर पाएँ, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है गाइडेंस सर्विसेज की स्कूल्स में, ठीक है, और इम्पॉर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्कूल गाइडेंस इन द स्कूल, ठीक है, गाइडेंस। सो पहला है इट अनेबल्स टीचर, ये क्या करता है, इट अनेबल्स टीचर्स टू नो द टैलेंट एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है। जब गाइडेंस सर्विसेज बच्चों को प्रोवाइड की करवाई जाती है, 1-to-1 उनके साथ कॉन्वर्सेशन की जाती है, तब पता चलता है कि बच्चे के अंदर क्या टैलेंट है और उनकी क्या पोटेंशियलिटीज़ हैं, क्या स्ट्रेंथ है बच्चे की, बच्चा क्या कर सकता है लाइफ में आगे। उसके बाद है इट अनेबल्स गाइडेंस वर्कर्स टू रिकॉग्नाइज द फील्ड एंड डिग्री ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है, डिग्री ऑफ इंटरेस्ट एंड पोटेंशियलिटीज ऑफ द स्टूडेंट। सो गाइडेंस वर्कर जो होता है वो क्या है, उसको पता चलता है, रिकॉग्नाइज करता है कि किस फील्ड में और कितनी डिग्री तक इसका इंटरेस्ट है, उसकी पोटेंशियलिटीज है बच्चे की, ये आगे क्या और बेहतर कर सकता है, ठीक है। उसके बाद है इट गिव्स एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू फाइंड आउट एसेंशियल रिलायबल एंड ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक डेटा ऑफ द स्टूडेंट, अब बच्चे को बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाती हैं, कई बार हमें पता ही नहीं होता कि हमारे सामने और क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं, हम आगे लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं। हम नॉर्मली 12th के बाद BCom कर लेते हैं, उसके बाद MCom कर लेते हैं, ठीक है, हमें और हम और क्या कर सकते हैं हमें नहीं पता, ठीक है। जब जब हम गाइडेंस लेते हैं तो हमें पता चलता है कि और कौन कौन से करियर पाथ हैं, हम कहाँ जाके और सक्सेसफुल हो सकते हैं लाइफ में, ठीक है, सिर्फ ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने से के अलावा, ठीक है। और इससे हमें क्या है, ऑथेंटिक एंड साइंटिफिक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड भी मिल जाता है। इट गिव्स हिंट्स टू द स्टूडेंट्स टू चूज एन अप्रोप्रिएट करियर प्लान इन द फ्यूचर, बच्चों को हिंट मिल जाते हैं कि क्या सही करियर प्लान उसे चूज करना है। इट हेल्प स्टूडेंट्स टू फाइंड आउट अ सुटेबल ऑक्यूपेशन बाय विच दे कैन गेट मैक्सिमम जॉब सेटिस्फैक्शन, कि उसको मैक्सिमम जॉब सेटिस्फैक्शन किस ऑक्यूपेशन से मिल सकती है उसको ये बताना, ठीक है, वो फाइंड आउट कर सकता है। इट ऑफर एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज टू द स्टूडेंट्स फॉर बेटर एडजस्टमेंट इन स्कूल एंड इट्स सराउंडिंग, कि बच्चा किस तरह से स्कूल में भी और अपने आसपास के एनवायरनमेंट में भी किस तरह से बेटर एडजस्ट कर सकता है, ये भी बच्चे को समझाया जाता है। उसके बाद है 7th पॉइंट कि इट प्रोवाइड्स प्रॉपर नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स, ठीक है, स्टूडेंट को बताया जाता है एंड स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस टू एडजस्ट इन होम एंड इट्स स्फीयर्स, सेम पॉइंट है ये। इट प्रोवाइड्स नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू द स्टूडेंट्स एडजस्ट इन द कम्युनिटी सेटिस्फाइड
इट हेल्प्स पेरेंट्स, पेरेंट्स की भी हेल्प करता है टू रिलेटिव टू मेक अ सुटेबल करियर पाथ फॉर देयर चिल्ड्रंस, कि अपने बच्चों के लिए क्या सही करियर है उसको चूज़ करें. इट हेल्प्स इन स्टूडेंट्स इन हेल्प्स इन स्टडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द स्टूडेंट्स इन रिगार्ड टू देयर नेचर नीड फिजिकल इंटलेक्ट इमोशनल एंड सोशल एबिलिटी. तो बच्चे को हर तरह से क्या है हेल्प करती है कि उसकी फिजिकल उसकी इंटेलेक्चुअल सोशल इमोशनल नीड क्या है, उसको किस तरह से एडजस्ट करना है. उसके बाद है 11th पॉइंट है हमारे पास कि टू अंडरस्टैंड द नीड एंड डिमांड, कि क्या नीड है क्या डिमांड है बच्चे की, पोटेंशियल उसके इंटरेस्ट एटीट्यूड एस्पिरेशंस पोजीशन ऑफ द स्टूडेंट, हर एक चीज़ का हमें पता चल जाता है. टू हेल्प स्टूडेंट्स इन फ्रेमिंग फ्यूचर एजुकेशनल प्लान, कि फ्यूचर में क्या करना है क्या प्लान बनाना है इसके बारे में भी बच्चे को पता चल जाता है. तो ये थे इसके इम्पोर्टेंस. ठीक है, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि 16 मार्क्स में पूछा जाता है फुल फ्लैज क्वेश्चन, वो है टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेज, की कितनी तरह की गाइडेंस सर्विसेज दी जाती हैं. पहला है काउंसलिंग सर्विसेज, अभी हम इसे सभी को डिटेल में डिस्कस करेंगे. दूसरा है टेस्टिंग सर्विसेज, स्टूडेंट इन्वेंट्री रिकॉर्ड, ट्रेनिंग सेमिनार एंड फोरम, प्लेसमेंट एंड करियर सर्विस दी जाती है, रिसर्च सर्विस, करियर प्लानिंग, करियर एंड लाइफ प्लानिंग की, फ्रेशमैन एनहेंसमेंट प्रोग्राम एंड ओरिएंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाती है बच्चे को. तो चलिए वन बाय वन इसे डिस्कस करते हैं. सबसे पहला है काउंसलिंग सर्विसेज. हमने पिछली वीडियो में भी काउंसलिंग के बारे में डिटेल में पढ़ा था. तो काउंसलिंग एक क्या है, एक टाइप है, सिंपल एक छोटा सा टाइप होता है गाइडेंस का. गाइडेंस एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है. सो काउंसलिंग क्या है कि दिस इज़ कंसर्न एज द हार्ट, ये क्या है एक हार्ट है, हार्ट एंड सोल ऑफ द गाइडेंस प्रोग्राम. ठीक है, हार्ट है एक और सोल है. ठीक है, गाइडेंस प्रोग्राम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. इट द सर्विस एम्स एंड अवेयर्स, इस सर्विस एम्स एंड असिस्ट स्टूडेंट्स इन गेनिंग डीपर सेल्फ अंडरस्टैंडिंग. बच्चे को क्या है कि इसका जो एम है कि बच्चे को अपने बारे में सेल्फ के बारे में डीपर अंडरस्टैंडिंग हो, अवेयरनेस हो वंस प्रॉब्लम, अपने प्रॉब्लम का पता हो उसे, एंड द इफेक्टिव यूज़ ऑफ द डिसीजन प्रोसेस, कि वो किस तरह से सही राइट डिसीजंस ले सकता है. ठीक है, डिसीजंस बाय फॉर्मुलेटिंग अल्टरनेटिव एंड इफेक्टिव कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच दैट अलाउ स्टूडेंट्स अ रिव्यू क्रिटिकली. ठीक है, ताकि वो क्रिटिकली रिव्यू कर सके व्हाट हैज़ टेकन प्लेस एंड मेक प्रोविजंस फॉर फ्यूचर मीटिंग्स इफ दे आर नीडेड. दीज काउंसलिंग सर्विसेज आर फॉलोइंग, कि हमने मैंने आपको डिस्कस किया था डिटेल में कि क्या होता है काउंसलिंग, कि जब एक मोर मच्योर जो पर्सन होता है वो लेस मच्योर पर्सन जो प्रॉब्लम में है, ठीक है, इस केस में क्या स्टूडेंट है जिसको कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उसकी हेल्प करना, उसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग करवाना प्रॉब्लम से और उसको किस तरह से सॉल्व करना है ये बताना हमारा काउंसलिंग होता है. सो इंडिविजुअल लेवल पर भी दी जा सकती है 1-to-1. उसके बाद ग्रुप लेवल पर भी कि कुछ स्टूडेंट्स हैं, मान लो हमें 10th क्लास के स्टूडेंट्स को ही उनके स्ट्रीम चूज़ करने के लिए गाइडेंस देनी है, तो हम सभी 10th क्लास के स्टूडेंट्स को इकट्ठा बिठा करके उनकी ग्रुप काउंसलिंग कर सकते हैं. फैमिली काउंसलिंग भी होती है कि अगर बच्चे की फैमिली में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी फैमिली को बुलाया जाता है और उसकी फिर उनकी फैमिली मेंबर्स को गाइडेंस दी जाती है. देन काउंसलिंग इन स्पेशल केसेस, कि कुछ स्पेशल केसेस होते हैं उनमें भी हम काउंसलिंग दे सकते हैं. ठीक है, दूसरा पॉइंट है हमारा टेस्टिंग सर्विसेज. टेस्टिंग सर्विसेज में क्या आएगा कि बच्चों के टेस्ट के थ्रू बच्चों के लेवल का पता लगाना. ठीक है, इन मैनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एज वेल एज एम्प्लॉयमेंट ऑफिसेज टेस्ट्स आर प्रोबेबली द मोस्ट वाइडली एंड स्पेशलाइज्ड टेक्निक इन गाइडेंस टेस्ट. ठीक है, टेस्ट्स बहुत सारे तरह के टेस्ट होते हैं और टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक होती है गाइडेंस में. सो इन गाइडेंस टेस्टिंग will help useful as guidance of it combined and appropriate planning for individual development. ठीक है, जब हम टेस्ट लेते हैं हमें बच्चों को राइट करियर के बारे में बताना है कि आपके लिए कौन सा करियर पाथ जो है सुटेबल रहेगा, तो हम डिफरेंट डिफरेंट तरह के बच्चों से टेस्ट लेते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट, एटीट्यूड टेस्ट लेते हैं, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि बच्चे का किस फील्ड में इंटरेस्ट है और वो किस फील्ड में बेहतर कर रहा है, तो हम उसी अनुसार उसको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो ये क्या करता है, द टेस्ट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन इन मीनिंगफुल टर्म्स थ्रू क्वान्टिटेटिव डिस्क्रिप्शन. ठीक है, जब हम टेस्ट ले रहे हैं तो हमें मीनिंगफुल डिस्क्रिप्शन मिल रहा है बच्चे का कि बच्चा इस फील्ड में मैथ्स में, रीजनिंग में, या फिर कौन सी फील्ड में, साइंस में, हिंदी में, किस चीज़ में बच्चा बेहतर कर रहा है, तो हमें पता चल जाता है, हम फिर उसे वही एडवाइस देते हैं. ठीक है, दीज सर्विसेज कवर्स द एडमिनिस्ट्रेशन, स्कोरिंग, इंटरप्रटेशन, इवेलुएटिंग द टेस्ट. ठीक है,
कि हम फिर क्या है टेस्ट को एडमिनिस्टर करवाते हैं, उसको स्कोरिंग को रिकॉर्ड करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं और उसको अवेलेशन करते हैं। सो हम एडमिशन टेस्ट लेते हैं। जब हम एडमिशन लेने जाते हैं स्कूल्स में भी, तो स्कूल में एडमिशन के टाइम भी हमारा टेस्ट लिया जाता है, ठीक है। देन इंटेलिजेंस टेस्ट लिया जाता है IQ चेक करने के लिए, इंडिविजुअल इंटरेस्ट टेस्ट, ग्रुप इंटरेस्ट टेस्ट चेक किया जाता है, एटीट्यूड एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, ठीक है। उसके बाद है इंटरेस्ट टेस्ट भी है, ये कंडक्ट करवाए जाते हैं गाइडेंस में। थर्ड पॉइंट है हमारा स्टूडेंट इन्वेंट्री रिकॉर्ड। सो दिस इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस ऑफ अक्यूमुलेटिंग, ये क्या है एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, अक्यूमुलेटिंग रिकॉर्डिंग एंड यूटिलाइजिंग द इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच स्टूडेंट्स फॉर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर्पसेस एंड ऑब्टेनिंग अ कम्प्लीट पिक्चर ऑफ द इंडिविजुअल। अब स्कूल में, ठीक है, हर एक बच्चा पढ़ता है और उसकी हर एक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है कि उसका एकेडमिक्स कैसा है, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करता है या नहीं करता है, दूसरे बच्चों के साथ कैसा व्यवहार है इसका, होमवर्क करता है कि नहीं करता। तो इस तरह से हर एक चीज़ का बच्चे का रिकॉर्ड रखा जाता है और जब उसे गाइडेंस प्रोवाइड करवाई जाती है तो वो जो रिकॉर्ड होता है बच्चे का या जो इन्वेंट्री होती है वो हेल्प करती है, ठीक है। उसके बाद है ट्रेनिंग सेमिनार एंड फॉरम्स कंडक्ट करवाते हैं। सो दीज आर प्रोग्राम्स डिजाइन टू हेल्प स्टूडेंट्स डिस्कवर देयर इनेट एबिलिटी। तो इस तरह से ट्रेनिंग बच्चों की करवाई जाती है, सेमिनार जब करवाए जाते हैं तो बच्चों को अपने अंदर छुपी प्रतिभा का पता चलता है एंड टैलेंट्स का पता चलता है, एज वेल एज डेवलप देयर इमोशनल इंटेलिजेंस सिंपोजियम, ठीक है। तो बच्चे को क्या है कि उसके इमोशनल और उसकी इंटेलिजेंस क्या है उसका पता चलता है। फोरम आर ऑर्गेनाइज्ड एज इंफॉर्मेशन प्रोग्राम टू टैकल इंपॉर्टेंट लाइफ इश्यूज, ठीक है। जो फॉरम्स होते हैं उसमें क्या है कि लाइफ में क्या इश्यूज चल रहे हैं बच्चे के, ठीक है, जैसे कि लव डेटिंग, क्योंकि टीनेज में बहुत सारी क्या है कॉम्प्लिकेशंस होती है बच्चों की लाइफ में, तो इस तरह से मैरिज हो गया अगर किसी को गाइडेंस लेनी है, सो जेंडर इशू एंड अदर रेलेवेंट टॉपिक्स अफेक्टिंग देयर लाइफ ऑफ द पर्सन, सो इस तरह से हेल्प की जाती है। उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट, प्लेसमेंट एंड करियर सर्विस भी दी जाती है। सो ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर सीरीज ऑफ करियर टॉक्स, ठीक है। जब बच्चा ग्रेजुएशन में होता है, ग्रेजुएशन में ही होता है, फाइनल ईयर में होता है, तो उसको बहुत सारे जो हैं करियर सेल्स में भेजा जाता है, प्लेसमेंट सेंटर में भेजा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे उनको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाता है कि अब आप ये कोर्स कर सकते हैं तो ये बेनिफिशियल रहेगा, तो करियर के बारे में बताया जाता है, करियर टॉक्स होती हैं, एक्सपर्ट्स बिठाए जाते हैं, एक्सपर्ट्स इन डिफरेंट फील्ड्स एंड ऑक्यूपेशंस एंडेवर्स एंड दे आर कोच्ड ऑन हाउ टू राइट एंड, और ये बताते हैं कि आप किस तरह से अपना जो एप्लीकेशन है, लेटर है, अपना एप्लीकेशन, अपना CV तैयार कर सकते हैं, एप्लीकेशन लेटर लिख सकते हैं, रिज्यूमे कैसे बनाना है, ठीक है, सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना कैसे डेवलप करना है, ये सब कुछ बच्चों को सिखाया जाता है। एंड फेसिंग इंटरव्यू बाय द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर, तो किस तरह से आपको इंटरव्यू फेस करना है ये सब कुछ इसमें सिखाया जाता है। उसके बाद रिसर्च सर्विसेज भी दी जाती हैं। सो रिसर्च कैपेबिलिटीज ऑफ द गाइडेंस सेंटर्स आर कंडक्टेड इन कंजंक्शन विद द रेलेवेंट एजुकेशनल स्टडीज लाइक स्टूडेंट्स डेलिक्वेंट प्रॉब्लम्स, कि बच्चों को क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि बहुत सारे गाइडेंस जो सेंटर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो रिसर्च करते हैं, अलग अलग डिफरेंट प्रॉब्लम्स पर रिसर्च करते हैं, सो उनके पास रिकॉर्ड होता है फिर कि किस तरह से उनके पास रिकॉर्ड होता है स्टूडेंट डेलिक्वेंसी एंड फैकल्टी स्टूडेंट रिलेशनशिप कैसा है और अदर रिसर्चर्स, और ये रिसर्चर्स क्या होती हैं, हेल्प करती हैं, एक ब्रिज का काम करती है, और ये जो गैप होता है करंटली एग्जिस्टिंग जो हमारी सिचुएशंस हैं तो उसके बीच में जो गैप फिलर का ये काम करती हैं, ठीक है। सो इन फाइंडिंग रिसर्च विल सर्व एज अ गाइडेंस फॉर एजुकेशनल प्लानिंग। उसके बाद हमारा सेवन पॉइंट, करियर एंड लाइफ प्लानिंग में भी हेल्प करती है। सो करियर डेवलपमेंट प्रोग्राम इज़ अ पैकेज ऑफ एक्टिविटीज़ डिज़ाइन टू डेवलप स्किल्स ऑफ सेल्फ एक्सप्लोरेशन, की बच्चा जो है वो खुद को कैसे सेल्फ एक्सप्लोर कर सकता है, वैल्यूज़ क्लैरिफिकेशंस, करियर प्लानिंग, डिसीजन मेकिंग, लाइफ गोल सेटिंग्स, तो इन सब के बारे में बच्चों को अवगत करवाया जाता है। उसके बाद है फ्रेशमैन एनहेंसमेंट प्रोग्राम। अब इसमें क्या है कि फ्रेशमैन एनहेंसमेंट प्रोग्राम इज़ अ पैकेज ऑफ एक्टिविटीज़, इसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है फॉर फ्रेशमैन डिज़ाइंड टू फैसिलिटेट एडजस्टमेंट इनटू द कॉलेज लाइफ, एनहेंस सेल्फ अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड डेवलप द बेसिक स्किल इन कॉपिंग इफेक्टिवली विद रिग्रस एकेडमिक लाइफ, ठीक है।
जब बच्चा कॉलेज लेवल पर जाता है तो उसे नहीं पता होता कॉलेज में किस तरह से एडजस्ट करना है, तो बहुत सारी उससे दिक्कत आती है मेंटली और फिजिकली, बहुत सारे चेंजेस आते हैं उसके माइंड में। तो उसको इस तरह से क्या है, इस फ्रेशमैन एनहेंसमेंट प्रोग्राम के थ्रू उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसे समझाया जाता है कि किस तरह से वो जो नया एनवायरनमेंट है, रिग्रेस एनवायरनमेंट है, तो उसको किस तरह से उसे एडजस्ट करना है। ठीक है, नाइन्थ पॉइंट है हमारा लास्ट पॉइंट कि ओरिएंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन, कि ओरिएंटेशन एंड इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सो ओरिएंटेशन इन्फॉर्मेशन सर्विस कंसिस्ट ऑफ अक्यूमुलेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द डिफरेंट गाइडेंस एक्टिविटीज़, वोकेशनल अपॉर्चुनिटीज़ एंड एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन फॉर बेटर एडजस्टमेंट एंड पर्सनल ग्रोथ। ठीक है, तो गाइज हमने आज डिस्कस किया है कि टाइप्स ऑफ गाइडेंस सर्विसेस कितनी तरह की होती हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा, और हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या क्या रोल होता है गाइडेंस पर्सोनल का डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पर। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।